हेलो दोस्तों, मैं महेश कोरवाल एक बार फिर से महेशपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। आज कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। क्या होता है मानव परिसंचरण तंत्र? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारे शरीर से या हमारे शरीर में जो कार्बनिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है उसे बोलते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब ये कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हमारी गैस हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, यूरिया एंड यूरिक एसिड वगैरह, जिसके द्वारा हम कार्बनिक पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं उसको बोलते हैं मानव परिसंचरण तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग डालिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र, हिंदी में लिख लीजिएगा मानव परिसंचरण तंत्र। ठीक है दोस्तों, मानव परिसंचरण तंत्र। और हमारे सिलेबस में क्या है दोस्तों? हमारे सिलेबस में ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र हम पढ़ेंगे। अब रक्त परिसंचरण क्या है, इसके घटक कौन कौन से हैं? तो लिखिए घटक इसके रक्त परिसंचरण तंत्र के, पहला घटक ब्लड, ब्लड को हिंदी में बोला जाता है रुधिर, रुधिर या रक्त। ठीक है, ब्लड। सेकेंड पे लिखिए आप हार्ट, जिसको हृदय बोला जाता है हार्ट। थर्ड नंबर पे ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जिनको हिंदी में बोला जाता है रक्त नलिकाएं। ठीक है दोस्तों, आयोजन में जो हमारे रक्त परिसंचरण के घटक कौन कौन से हैं? ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। और फोर्थ नंबर पे लिखिए लिम्फ, जिसको हिंदी में बोला जाता है लसिका, अब जो हमारे मैंने बोला ना कार्बनिक पदार्थों का आदान प्रदान ही हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। अब उनका आदान प्रदान कौन करता है? तो हमारा ब्लड उनका आदान प्रदान करता है, उनको ले जाता है और लाता है, तो इसलिए हमारा ब्लड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हार्ट ये जाता लाता ले जाता है, बट इसको किसके द्वारा यहाँ पंपिंग करता है? तो हार्ट के द्वारा यहाँ ये आदान प्रदान करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, बट किसके द्वारा जाता है? तो ब्लड वेसल्स रक्त नलिकाओं के द्वारा यहाँ जाता है। और किसके माध्यम से जाता है? तो लसिका के माध्यम से यहाँ जाता है। ठीक है, आया बात समझ में आपको? अब सबसे पहले हेडिंग डालिए ब्लड, ब्लड क्या है? तो दोस्तों हेडिंग डालिएगा ब्लड, हेडिंग डालिए ब्लड, ब्लड रक्त बोला जिसे हिंदी में बोला जाता है रक्त। अब नोट करके लिखिए, पहला ही करेक्टर इसका नोट करके लिखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, जो रेलवे का या एसएससी सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन है कि ब्लड क्या है, ब्लड क्या है? तो ब्लड एक संयोजी ऊतक है। क्या है? ब्लड एक संयोजी ऊतक। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ एक संयोजी ऊतक है।
अब इसको ऊतक क्यों बोल रहे हैं हम और कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं ये हमको समझना है कि इसको ऊतक क्यों बोल रहे हैं हम और पूरा इसको क्या बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स पाई जाती है, इसलिए इसको टिश्यू बोला जाता है। और कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है, कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला जाता है कि हमारे यहाँ एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, ब्लड क्या है, ब्लड एक संयोजी ऊतक है, इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि टिश्यू इसलिए बोला जाता है, इसमें आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आया दोस्तों यहाँ तक समझ में। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ब्लड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ब्लड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ब्लड की उत्पत्ति हुई मेसोडर्म से, कहाँ से मेसोडर्म। अब आपके सामने एक नया वर्ड आया होगा कि मेसोडर्म क्या है, अब इसके बारे में बताऊंगा आपको कि मेसोडर्म एक क्या है, कहाँ से हुई रक्त की उत्पत्ति मेसोडर्म से। जब हमारी माँ के गर्भ में होते हैं हम, तब भ्रूणी अवस्था में तीन लेयर होती है, फर्स्ट वाली कौन सी एंडोडर्म एंड सेकेंड मेसोडर्म और थर्ड है एक्टोडर्म। आ रहा है दोस्तों समझ में, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, आपको शायद नहीं लिखा होगा। इस टाइप से जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब भ्रूण अवस्था में सबसे पहली कौन सी होती है एंडोडर्म, कौन सी एंडोडर्म, सेकेंड मेसोडर्म एंड थर्ड एक्टोडर्म। आ रहा दोस्तों एंडोडर्म मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। अब हमने बोला कि हमारी रक्त की जो उत्पत्ति हुई है वो मेसोडर्म से हुई है, तो एंडोडर्म से किस किस की उत्पत्ति हुई, मेसोडर्म से किस की उत्पत्ति हुई एंड एक्टोडर्म से किस की उत्पत्ति हुई, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो नोट करके लिखिए, एंडोडर्म से सबसे पहले लीवर की उत्पत्ति हुई, सेकेंड नंबर पे लंग्स की, थर्ड पे जितनी भी ग्लैंड्स होती है उनकी उत्पत्ति भी किससे हुई, एंडोडर्म से। ठीक है, जैसे थायराइड ग्लैंड, सेकेंड थाइमस ग्लैंड, यह मैंने एग्जांपल दिया, जितने भी ग्लैंड्स होती है उनकी उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। ठीक है दोस्तों, आया समय मेसोडर्म से किसकी उत्पत्ति होती है, जिसका भी संबंध रक्त से होता है ब्लड से होता है उसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से हुई है। जिस प्रकार से पहला हार्ट की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मेसोडर्म से, सेकेंड ब्लड की उत्पत्ति कहाँ से हुई मैंने बताया था मेसोडर्म से, एंड थर्ड बोन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है मेसोडर्म से, एंड लास्ट में एक्टोडर्म से क्या बनता है, हमारी जो स्किन होती है बाहरी भाग स्किन त्वचा जिसको हिंदी में बोला जाता है, हार्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है हृदय, ब्लड को रक्त एंड बोन को हड्डी। ठीक है दोस्तों, लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम यकृत, लंग्स मतलब फेफड़े,
एंड ग्लैंड्स, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं ग्रंथि, जिसको हिंदी में बोला जाता है ग्रंथि, जैसे थायराइड थायमस ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, आया तो समय यहाँ तक एंडोडर्म। अब हमारे एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्लड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो हमारा आंसर क्या होगा, मेसोडर्म से। हार्ट की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो हमारा आंसर क्या होगा, मेसोडर्म से। या हमको आंसर ये दे देगा पूरा ऑप्शन और उसमें से पूछेगा। ठीक है दोस्तों, आया समय यहाँ तक आपको, ये भ्रूणावस्था में जब हमारी माँ के गर्भ में होते हैं तो तीन लेयर होती है। ठीक है दोस्तों, आया समय यहाँ तक, और पूरी जितनी भी ये प्रोसेस होती है, ये जितनी भी प्रोसेस होती है इसको बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रोसेस बोला जाता है इसको, आयसन में ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रोसेस। आई होप आपको अच्छा समझ आ रहा होगा। अब ब्लड, आपको पता होगा ब्लड का जो कलर होता है वो किस टाइप से होता है, किस कलर का होता है हमारा ब्लड, तो आपको पता होगा ब्लड हमारा रेड कलर का होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ब्लड का रंग रेड क्यों होता है, लाल ही क्यों होता है, क्योंकि इसका भी एक रीजन है, ब्लड के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन को हिंदी में भी हीमोग्लोबिन कहेंगे। ठीक है, आयसन में हीमोग्लोबिन पिगमेंट वर्णक पाया जाता है हमारे ब्लड के अंदर, जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। आया दोस्तों यहाँ तक समय में, अब क्वेश्चन आता है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7.4। कितना होता है ब्लड का पीएच मान, तो हमारा आंसर क्या होगा, 7.4। यहाँ किस टाइप से होता है, यहाँ क्षारीय होता है। अब अम्लो क्षारीय क्या होता है, जैसे हमारा जो स्केल होता है वो 1 to 14 तक होता है, जब यहाँ 7 के आगे तक जाएगा तो यहाँ 7, 1 से 6 तक हमारा अम्लीय होता है, और 7 के जब भी हम आगे आएंगे तो वहाँ क्षारीय होता है, तो हमारा 7.4 है, इसलिए हमारा रक्त क्या होगा, क्षारीय। ठीक है, और जब जिसका भी 7 होता है वहाँ किस टाइप से होता है, वहाँ होता है उदासीन। आ रहा ना दोस्तों सन में, रक्त का पीएच मान 7.4। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारे पूरे शरीर का कितना परसेंट होता है ये ब्लड, तो हमारे पूरे शरीर का 7 से 8% भाग बनाता है हमारा ब्लड। ठीक है, कितना परसेंट, 7 से 8%। ठीक है, अब हमारे जो शरीर में एडल्ट होते हैं, वुमेन होते हैं, जो युवा होते हैं, उनके शरीर में कितने लीटर ब्लड होता है, कितना लीटर रक्त होता है, तो याद रखना 5 से 6 लीटर हमारे शरीर के अंदर ब्लड होता है, 5.5 याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, 5.5 एंड ये मेल में हो गया, मेल में, और फीमेल में कितना होगा, फीमेल में कम होता है 4 to 4.5 liter। ठीक है दोस्तों, आयसन में ये हमारे शरीर का कितना परसेंट भाग बनाता है, 7 से 8%, जो हमारा कितना लीटर होता है हमारे शरीर के अंदर, 5 से 5.5 liter। ठीक है, और फीमेल में 4.4 to 4.5 liter ब्लड होता है। ठीक है, अब जिस वहाँ शाखा जिसके अंतर्गत ब्लड का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, तो लिखे दोस्तों हेमेटोलॉजी, क्या बोलेंगे, हेमेटोलॉजी।
वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ब्लड का अध्ययन करेंगे हेमाटोलॉजी कहलाती है। अब जो हम रक्तदाब किस चीज से नापते हैं, वह कौन सा यंत्र है, यंत्र है जिसके द्वारा हमारा रक्तदाब मापा जाता है, तो लिखिएगा स्टार बना के लिखिए। बार बार क्वेश्चन में क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाता है कि रक्तदाब मापी कौन सा है, तो लिखिए रक्तदाब मापी, तो लिखिए स्फिग्नो स्फिग्नो मैनोमीटर। स्फिग्नो मैनोमीटर ये रक्तदाब मापी है, ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में भी ऐसे लिखा जाएगा स्फिग्नो मैनोमीटर। आया बात समझ में यहाँ तक दोस्तों, हमने जितना भी पढ़ा भी ब्लड के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब और ब्लड में क्या क्या होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको कि ब्लड में कितना परसेंट प्लाज्मा होता है, ब्लड में कितना परसेंट ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, मैंने बताया था अभी वहाँ पे आपको, आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, जो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे उनको वन बाय वन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए ब्लड, ब्लड एक कौन सा, दूसरा दूसरे पेज पे लीजिएगा तो पूरा यहाँ पे पूरा एक पैराग्राफ बनेगा ब्लड का, ठीक है। ब्लड को, ब्लड के अंदर एक होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कॉर्पस्कल, ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। इनको हिंदी में बोला जाता है रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं, ठीक है दोस्तों, क्या बोला जाता है हिंदी में, रक्त कणिकाएं, ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है दोस्तों। एंड प्लाज्मा, ये प्लाज्मा ब्लड का कितना परसेंट होता है, तो यहाँ पे लिखिए 55%। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ब्लड में प्लाज्मा का कितना परसेंट होता है, तो हमारा आंसर होगा 55%। एंड ब्लड कॉर्पस्कल्स कितना होता है, तो इसका लिखिए 45% ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, रक्त कणिकाएं होती है। अब रक्त कणिकाओं को भी हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे, इसके भी भाग होते हैं, तो पहला लिखिए रक्त कणिकाओं, तो पहला लिखिए एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। सेकेंड लिखिए ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। एंड थर्ड नंबर पे लिखिए थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। इनका अदर नेम क्या है, इसको बोला जाता है आरबीसी, इसको डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स, ठीक है दोस्तों। आरबीसी का रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है दोस्तों। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। और यहाँ पे ल्यूकोसाइट को भी, इसके भी तीन भाग है, कौन कौन से, इसके भी तीन भाग है, कौन कौन से दोस्तों, सॉरी दो भाग है इसके, कणिकामय एंड अकणिकामय, कणिकामय एंड अकणिकामय। कणिकामय एंड अकणिकामय आ रहा दोस्तों, सब में
इनको हिंदी में बोला, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ग्रेन्यूलोसाइट्स। दिख रहा है ना दोस्तों, ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड अकणिकामय को बोला जाता है अग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड अग्रेन्यूलोसाइट्स, कणिकामय एंड अकणिकामय। कणिकामय के भी तीन भाग है, कौन कौन से? इसके भी तीन भाग है, कौन कौन से? इजिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। इजिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रिनोफिल। देखिए इजिनोफिल, दूसरा बेसोफिल, थर्ड नंबर पे न्यूट्रोफिल। ठीक है दोस्तों, इजिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल आ रहा दोस्तों समझ में। इनका हिंदी नाम अलग से कोई कुछ ही नहीं है, इनको इस टाइप से पूछा जाता है एग्जाम में भी कि हमको ये जैसे चार दे देंगे, आप तीन यहाँ से दे देंगे, एक यहाँ से दे देंगे, निम्न में से कौन सा कणिकामय है? तो हमारा आंसर क्या होगा? कणिकामय। इनमें कौन सा डब्ल्यू, आप यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछता है कि हमारी WBC होती है और मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? 5 प्रकार की हमारी WBC होती है। ग्रेन्यूलोसाइट्स, अग्रेन्यूलोसाइट्स, इजिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? यहाँ आपको अब एग्जाम में यहाँ से इस टाइप से भी मैं बता रहा किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन सा कणिकामय है? तीन ये दे देंगे और एक ये दे देंगे, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ग्रेन्यूलोसाइट्स। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक आपको? ये जो हमारे ये एग्जांपल है, इनको हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में कणिकामय एंड अकणिकामय। जो हमारे जो यहाँ पे लिखे मैंने इजिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, ये इसके प्रकार हैं। और अकणिकामय के अब मैं बताता हूँ, अकणिकामय के कौन से एग्जांपल है? मोनोसाइट्स, लिखीजिएगा मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। कौन कौन से? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। दिख रहा है दोस्तों आपको यहाँ तक? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक है, अब अभी मैंने बताया था किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन सा कणिकामय है? तो एक इसमें से दे देगा, दो इसमें से दे देगा, अब हमारा आंसर क्या होगा? इजिनोफिल। ठीक है, यहाँ से इस टाइप से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आया दोस्तों यहाँ तक समझ में आपको? ब्लड, ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान कितना है? 7.4। ये हमारी बॉडी का कितना परसेंट भाग बनाता है? ये हमारी बॉडी का 7-8% भाग बनाता है। रक्तदाब मापी, जिसको हम रक्त किसके द्वारा मापा जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? स्फिग्नोमैनोमीटर। कौन सा? स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, अब यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ समझ में? ब्लड को दो भाग है, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पस्कल्स। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है ब्लड के अंदर? 55% एंड ब्लड कॉर्पस्कल्स के अंदर 45% यहाँ भाग बनाता है ब्लड का। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना इसको। ठीक है, अब ब्लड कॉर्पस्कल्स तीन भाग होते हैं, एरिथ्रोसाइट जिसको हम RBC रेड ब्लड सेल्स भी बोला जाता है, ल्यूकोसाइट WBC व्हाइट ब्लड सेल्स एंड थ्रोम्बोसाइट जिसको बोलते हैं हम प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या होती है? जैसे हमको जब कोई कुछ चोट लग जाती है कहीं पे भी, तो जस्ट दो से तीन मिनट के अंदर वो वहीं पे जम जाता है रक्त। किसके द्वारा जमता है?
प्लेटलेट्स के द्वारा वही रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है हमारी कौन सी प्लेटलेट्स। आज समय दोस्तों प्लेटलेट्स इस काम में आती है। अब ल्यूकोसाइट को भी दो भागों में बांटा, कणिकामय एंड अकणिकामय, ग्रेनुलोसाइट्स अग्रेनुलोसाइट्स। कणिकामय के भी तीन भाग है, कौन कौन से, इजिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, एंड अकणिकामय के मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और लिम्फोसाइट्स के भी दो भाग है, बी एंड टी। याद रखिए दोस्तों पूरा, अब वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, आइए तो वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। आप तो हेडिंग डालिए प्लाज्मा। प्लाज्मा से स्टार्ट करेंगे हम। तो हम पढ़ेंगे अब प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, यह हमारे ब्लड होता है, उसका लिक्विड पोर्शन होता है, तरल पदार्थ होता है प्लाज्मा। पहला इसका ऑप्शन पहला, सेकंड वाला, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी होता है, नोट करके लिखिए दोस्तों इसको। एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि प्लाज्मा के अंदर वाटर का कितना परसेंट होता है, तो लिखिए 90 से 92% इसके अंदर वाटर होता है, पानी। ठीक है दोस्तों, कितना परसेंट, 9 से 92%। एंड इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं प्लाज्मा के अंदर, प्रोटीन्स भी। अब ये कितने परसेंट में होता है प्रोटीन्स, ये होते हैं 6 से 8% प्रोटीन इसके अंतर्गत होते हैं। अब प्रोटीन होते हैं बट कौन कौन से होते हैं इसके अंतर्गत प्रोटीन, तो याद रखिएगा फर्स्ट नंबर पे एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। सेकंड नंबर पे ग्लोब्यूमिन एंड थर्ड नंबर पे हाइड्रोजन। फाइब्रोनोजन, ठीक है, कौन सा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रोनोजन। हिंदी में भी इनका यही नाम है, कुछ अलग नाम नहीं है इनका। मैं जितना कोशिश हो सकूंगा आपको हिंदी में इनको बताऊंगा, बट इंग्लिश में ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है फाइब्रोनोजन के बारे में, कि फाइब्रोनोजन क्या है। तो आप फाइब्रोनोजन जो प्लेटलेट से जो कार्य करती है वही कार्य हमारा कौन सा प्रोटीन करता है, फाइब्रोनोजन। रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जमाने में यहां सहायता करता है फाइब्रोनोजन प्रोटीन। अब यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि वहाँ कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, फाइब्रोनोजन प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, आज हमें प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ ब्लड का 55% बनाता है। ठीक है, इसमें जो पानी होता है कितना परसेंट होता है, 90 से 92%। इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, कौन कौन से प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रोनोजन, जो ब्लड क्लॉटिंग का रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, अब स्टार लगा के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार लगा के लिखिएगा। सीरम, सीरम क्या है, तो दोस्तों इसके बारे में लिखिए सीरम। जब हम प्लाज्मा से, अभी मैं बताया प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन एंड फाइब्रोनोजन। जब
प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन प्रोटीन निकाल लेते हैं, तो शेष बचा हुआ भाग हमारे क्या कहलाता है दोस्तों, सीरम। क्या कहलाता है? सीरम। जब हम प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन प्रोटीन को बाहर निकाल लेते हैं तो शेष बचा हुआ भाग हमारा सीरम कहलाता है। तो लिखिए रक्त से फाइब्रोनोजन प्रोटीन निकाल लेने पर शेष बचा हुआ भाग हमारे क्या वो कहलाता है दोस्तों, सीरम। ठीक है, आया दोस्तों यहाँ तक समझ में? ब्लड के बारे में हम आज पूरा डिटेल में पढ़ लिए, उसके बारे में अब आते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स, रक्त कणिकाएं। अभी हमने प्लाज्मा जिसको ब्लड में हमने दो भागों में डिवाइड किया था, प्लाज्मा एंड रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ, अब आते हैं रक्त कणिकाएं के ऊपर। क्या होती है WBC, क्या होती है RBC, इनका कार्य क्या है हमारे शरीर में? तो हेडिंग डालिए ब्लड कॉर्पस्कल्स, रक्त कणिकाएं, जिसको हिंदी में बोला जाता है रक्त कणिकाएं। ठीक है दोस्तों, रक्त कणिकाएं, इसके अंतर्गत हमने तीन भागों में बांटा था। तो पहला लिखिए एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स जिसको बोला जाता है आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लाल रक्त कणिकाएं। एरिथ्रोसाइट, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। अब लाल रक्त कणिकाएं के बाद इसका पहला लिखिए कि हमारे शरीर में काफी अधिक संख्या में पाई जाती है, लगभग कितना? 5 to 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब, जो WBC एंड प्लेटलेट्स की तुलना में काफी अधिक होती है। तो इसकी संख्या हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है? तो जो नंबर होते हैं इसके हमारे शरीर में नंबर संख्या कितनी होती है? 5 to 5.5 मिलियन मिलीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, कितना? मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है दोस्तों, कितनी संख्या होती है हमारे शरीर में की? 5 to 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड के अंदर इनकी संख्या होती है। ठीक है, अब फीमेल में कितनी होती है? ये जो 5 to 5.5 मिलियन होती है एडल्ट में होती है, किसमें? एडल्ट में, मतलब मेल में होती है संख्या। अब फीमेल में कितनी होती है? तो लिखिए 4 to 4.5 मिलियन। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है फीमेल में? 4 to 4.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड के अंदर इनकी संख्या पाई जाती है। आया दोस्तों यहाँ तक समझ में? अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, नोट करके लिखिए। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको नोट करके लिखा रहा हूँ वो एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको उनको नोट करके लिखा रहा हूँ। आप यहाँ से नोट करके लिखिए कि जो लाल रक्त कणिका होती है, आरबीसी होती है, इनका निर्माण कहाँ होता है, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो लिखिए इनका फॉर्मेशन, निर्माण, तो इनका निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा। कहाँ पे? लाल अस्थि मज्जा।
ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में बोला जाता है रेड बोन मैरो। क्या बोला जाता है? रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अब इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो में, बट इसकी डेथ कहाँ होती है, इसकी मृत्यु कहाँ होती है? ठीक है, इसकी डेथ होती है स्प्लीन। कहाँ पे होती है दोस्तों? स्प्लीन। स्प्लीन को हिंदी में बोला जाता है प्लीहा। प्लीहा, इसकी डेथ होती है प्लीहा के अंदर। अब इसका फॉर्मेशन, जब हम मैच्योर फॉर्म में होते हैं तब इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है, उस समय इस अस्थि लाल ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। तो लिखिए दोस्तों, एम्ब्रियोनिक कंडीशन, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो लिखिए लीवर प्लस स्प्लीन। लीवर प्लस स्प्लीन में आरबीसी का निर्माण होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन को हिंदी में बोला जाता है भ्रूणीय अवस्था। क्या बोला जाता है दोस्तों? भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है लीवर प्लस स्प्लीन में। ठीक है दोस्तों, आ रहे समय यहां से आपको हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसके दो भाग, हम तीन भाग देखे थे हमने, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं एरिथ्रोसाइट, जिसको बोला जाता है आरबीसी। आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 5 से 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, एंड फीमेल में कितनी होती है? 4 to 4.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो बोन मैरो, रेड बोन मैरो। किसी कहीं कहीं पे एग्जाम में रेड भी ना आए तो हमारा आंसर क्या होगा? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और जब भ्रूणीय अवस्था में होता है, जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, तब इसका निर्माण कहाँ होता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? लीवर प्लस स्प्लीन में इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसका निर्माण यहाँ पे होता है लाल अस्थि मज्जा में।